कानपुर मुठभेड़ का दोषी विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि विकास दुबे जिस गाड़ी के जरिए उज्जैन पहुंचा था वो गाड़ी लखनऊ के इंदिरा नगर में रहने वाले मनोज यादव के नाम से दर्ज है। विकास दुबे और गाड़ी का कनेक्शन पुलिस खंगाल रही है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद पूरे उज्जैन में तलाशी अभियान चलाया गया था, जिस दौरान एक गाड़ी मिली जिस पर लखनऊ की नंबर प्लेट लगी थी और हाईकोर्ट लिखा था। पुलिस गाड़ी को थाने ले आई। इसके बाद गाड़ी को ढूंढते हुए दो लोग थाने पहुंचे और उन्होंने बताया कि ये गाड़ी उनकी है। ये दोनों लोग पेशे से वकील हैं, जिनमें से एक मनोज यादव क्रिमिनल वकील है। वहीं मनोज यादव की पत्नी ने उनके विकास दुबे से कोई भी संपर्क होने से मना कर दिया है। बहरहाल इस बीच दोनों ही पकड़े गए, वकीलों से पूछताछ चल रही और इस बीच में ये भी खबर आई कि विकास दुबे जिस बिट्टू का नाम ले रहा था उसकी उज्जैन पुलिस तलाश भी कर रही है। उत्तराखंड में गदरपुर के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को घर में ही शिक्षा से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि बच्चे घर पर ही पढ़ सके। वहीं उपखंड शिक्षा अधिकारी रवि मेहता ने बताया कि लॉकडाउन के कारण बच्चों का स्कूल आना संभव नहीं है, इसलिए बच्चों को घर पर ही शिक्षा विभाग ने सिलेबस उपलब्ध कराया है, जिसके लिए अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की मदद ली जा रही है। बच्चों की शिक्षा किसी भी रूप में बाधित न हो, कोई भी बच्चा हमारे राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाला शिक्षा से वंचित न हो, इसलिए जिला प्रशासन के सहयोग से एक कार्यक्रम यहाँ पे चलाया गया, जिसके तहत ऑफलाइन टीचिंग मॉड्यूल, ऑफलाइन टीचिंग जो मेथड है, इसके माध्यम से हम बच्चों तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए वर्कशीट डिज़ाइन की गई है, जिसमें ब्लॉक लेवल में हमारी कोर कमिटीज़ बनी है और वर्कशीट डिज़ाइन कमिटीज़ बनी है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन संस्था का इसमें सहयोग किया गया और इन वर्कशीट्स को बच्चों तक, जितने भी बच्चे हैं जो हमारे स्कूल्स में हैं, उन टीचर्स के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के रोहतक जिले में लाखन माजरा खंड के 24 गांवों में ज्यादा कोरोना के मामले सामने नहीं आए हैं। इसके पीछे स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता मानी जाएगी। दरअसल स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस को लेकर शुरू से ही अलर्ट है। इलाके के सीएससी और पीएचसी में गांव में लगातार लोगों की स्क्रीनिंग का काम जोरों पर है। जो संदिग्ध व्यक्ति सामने आता है उसको रोहतक ब्रांच के लिए तुरंत भेजा जाता है। ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे सभी लोगों की इम्यूनिटी की जो पावर है, रेजिस्टेंस है, वो थोड़ा बढ़ाया जाए। इस बात को लेकर के हमारे आज सभी जिला के आयुर्वेदिक अधिकारी, चिकित्सक जितने हैं, उन लोगों के साथ बैठक की गई है। वो बड़े जोर शोर से काम पे लगे हुए हैं। आज अमरिंदरगढ़ में मोबाइल हेल्थ कैंप लगाया हुआ है, जिसमें लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो लोग यहाँ आते जा रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग करते जा रहे हैं और जो घरों में हैं उनकी भी घर घर जाके भी स्क्रीनिंग करी जा रही है, क्योंकि काम का टाइम है, कुछ लोग मिलेंगे कुछ। हाँ जी, हाँ जी, धान का पौन का लगाने का टाइम है ना, इस चक्कर में तो उनके घर घर जाके भी करी जा रही है। यूपी के सहारनपुर में अंतर्राज्यीय एटीएम चोरों के गिरोह का 25,000 के इनामी चोर को मोटरसाइकिल, नकदी और अवैध असला सहित थाना सदर बाजार पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सहारनपुर में दिल्ली रोड पर बने एटीएम चोरी की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों के गिरोह 25,000 का इनामी चोर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, 4,25,000 रुपए नगद, अवैध असला बरामद किया गया। पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर सहारनपुर सहित अन्य राज्यों में भी 22 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई के साथ आरोपी के अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है। जनपद सहारनपुर के अंदर दिनांक 16/17 और 17/18 की रात जून में जो एटीएम काटने की घटना हुई थी, उसी के संबंध में टीमें गठित की गई थी, जिसमें कि आपके सर्विलांस टीम, अभिसूचना विंग, स्वॉट टीम, साथ ही साथ थाना सदर और थाना सरसावे की टीमों को लगाया गया था। इसमें कल शाम रात को ITC कट के पास में से मुठभेड़ के बाद रुकमा और फरकमुद्दीन, जो कि शाहपुरा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं विपक्षियों ने भी इन बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किए, जिसके चलते जिला फाजिलका में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने जलालाबाद में रोष प्रदर्शन किया और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों पर रोक लगाने की मांग की। आज का जो धरना है कोरोना करके आप ज़्यादा कोई इकट्ठ नहीं कर सकते, इस करके सीमित ही असी ये जो
राशन सेंटर गवर्नमेंट तो आया उसकी जांच होनी चाहिए है। दूजा जो नीले कार्ड है वो काफ़ी हद तक कटे गए हैं, वो तुरंत बहाल करने संबंधी। तीसरा जो डीजल ते पेट्रोल ते जिहड़ा इन्ने रेट बढ़ रहे टैक्स है पंजाब गवर्नमेंट का, वो लगभग बनता है 27.50 रुपये आता कंपनी तो, जो डीजल ते इहदा वापस करके आता 43% पैसे, जिहदा कि एक लीटर उत्ते पेट्रोल ते जिहड़ा है आपां नूं डीजल ते 25.14 रुपये पैसे ते पेट्रोल ते 32.56 रुपये करीब आता है। ये तुसीं देख लो अद्धी कीमत हो जाती जी, ये सरकारां गौर कर